तो क्लैंपर की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और मेरे पास एक क्लैंपर है जो बायस्ड क्लैंपर है, और बायस्ड क्लैंपर के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी। बायस्ड क्लैंपर की कंडीशन थी दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल शुड बी लेस देन आरसी टाइम कांस्टेंट या डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आरएल इनटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन टी। ये उस कंडीशन को इंश्योर करेगा, ये उस कंडीशन को इंश्योर करेगा कि डिस्चार्जिंग के टाइम जो आपका कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेट का, वो बहुत ही धीमा डिस्चार्ज हो, बहुत ही कम रेट से डिस्चार्ज हो, ताकि टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट बनाया जा सकते। एक क्लैंपर तभी अच्छा क्लैंपर बन सकता है जब पूरे ऑपरेशन के ड्यूरेशन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहे, मतलब पूरी साइकिल के ड्यूरेशन में अगर वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो दैट कैपेसिटर, दैट क्लैंपर विल बी ए गुड क्लैंपर। इस बार मेरे पास बायस्ड क्लैंपर है, और बायस्ड क्लैंपर में मैं देखता हूँ कि जो सिग्नल है उसका फ्रिक्वेंसी दिया है 1 किलो हर्ट्स, तो टाइम पीरियड होगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 1 मिली सेकेंड। तो ये वो सर्किट है जिसमें हमने जो इनकमिंग सिग्नल दिया है, इनकमिंग सिग्नल दिया है दैट इनकमिंग सिग्नल इज हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 1 मिली सेकेंड। अब मैं इसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका टाइम कांस्टेंट होगा आर एल इंटू सी, बिकॉज दिस इज आरसी नेटवर्क, और आरसी नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट इज आर एल इंटू सी। आर एल का वैल्यू दिया है 100 × 10⁻³, 100 किलो मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻⁶। तो टाउ का वैल्यू आया है मेरे पास 5 6 10⁻⁰-1 फाइव इन से ओके, और आई शुड से द टाउ इज इक्वेलेंट टू 100 मिली सेकेंड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है, दिस विल बी ए गुड गुड क्लैंपर, कि आर एल इन टू सी का वैल्यू है 100 मिली सेकेंड, एंड 100 मिली सेकेंड इज मच ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड अगर आर एल इन टू सी का वैल्यू हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटर 1 वोल्ट से चार्ज है, अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर 1 वोल्ट से चार्ज है, तो 1 से 1/e तक, 1 से इसका पोटेंशियल 1/e तक ड्रॉप होने में, 1 से पोटेंशियल 1/e तक ड्रॉप होने में जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज 100 मिली सेकेंड। आप समझे, टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब वोल्टेज मैक्सिमम का 1/e तक ड्रॉप हो जाता है। तो 1 से 1/e तक ड्रॉप होने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम कांस्टेंट, और इसका टाइम कांस्टेंट है 1 मिली सेकेंड। तो 1 सेकेंड, अगर मैं 1 मिली सेकेंड देखूं, तो 1 मिली सेकेंड में तो इसका ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा। 100 मिली सेकेंड में ये आया है 1 से 1/e, तो 1/1 मिली सेकेंड में तो बहुत कम ड्रॉप होगा, मतलब मैं मान सकता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम है ड्यूरिंग इंटायर ऑपरेशन। अब मैं इस कैपेसिटर, इस सर्किट में डायोड को टेस्ट करना चाहता हूं कि डायोड कब ऑन होगा। तो जरा कंडीशन हम लिख लेते हैं, लेट्स अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, और ओपन सर्किट टेस्ट लगा के हम देखते हैं कि डायोड के ऑन और ऑफ होने की कंडीशन क्या है। तो मैं बना देता हूं नेटवर्क, ओपन सर्किट टेस्ट लगाया मैंने, डायोड को रिप्लेस किया है ओपन सर्किट से, और यहां पोटेंशियल लगाया है वीआईटी। अब जरा हम देखें कि डायोड के सारे इनिशियल कंडीशन जीरो थे, इनिशियल कंडीशन जीरो थे मतलब इनिशियली सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, सर्किट में कोई करंट नहीं बनेगा। अब आपने यहां पोटेंशियल अप्लाई किया था वीआईटी और पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हुआ, तो इस पूरे टर्मिनल का पोटेंशियल भी होगा वी आई टी। तो डायोड के एनोड पे पोटेंशियल होगा वी आई टी, और कैथोड पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट। मुझे टेस्ट करना था कि ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, तो डायोड कंडक्ट करने की कंडीशन आ गई, वी एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 5। वी आई टी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा।
ये मेरे पास डायोड को चलाने की कंडीशन आई, लेकिन जैसे ही मैं वेवफॉर्म को देखता हूं तो जैसे ही सर्किट स्टार्ट होता है वेवफॉर्म का वैल्यू है 10 वोल्ट, मतलब इनिशियली 5 वोल्ट से ज्यादा ही पोटेंशियल मेरे पास इनपुट में है, और 5 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अगर इनपुट में है तो डायोड करेगा ऑन। और डायोड के ऑन होने से क्या इफेक्ट होगा जरा उसको देखते हैं। डायोड के ऑन होने से कैपेसिटर होगा शॉर्ट, द कंडीशन इज VIT शुड बी ग्रेटर देन 5 वोल्ट, और मेरे पास कंडीशन है VIT इनिशियली वोल्टेज इज 15 वोल्ट। जरा देखें, अब जैसे ही मैंने इस सर्किट को ऑन किया, इस सर्किट को ऑन करने पे जो इनपुट आया उसका वैल्यू है 10 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर के एक एंड पे है 10 वोल्ट और दूसरे वोल्ट पे अगर डायोड ऑन हुआ है तो है 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होकर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा 5 वोल्ट। मतलब फर्स्ट साइकिल जो है, फर्स्ट साइकिल का जो हाफ पार्ट है, हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल कैपेसिटर को चार्ज कर देगा 5 वोल्ट से। अब कैपेसिटर अगर 5 वोल्ट से चार्ज हुआ तो फिर उसको चलाने के कंडीशन भी अलग हो जाएंगे। फर्स्ट साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ है 5 वोल्ट से, अब इसके बाद जब कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा तो उसको चलाने के नियम फिर से चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं कि दिस इज माई रेफरेंस 0 वोल्ट, अगर रेफरेंस को 0 वोल्ट ले लिया तो ये पोटेंशियल मिलेगा मुझे VIT, और पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर मैं जा रहा हूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VIT-5। अब डायोड को चलाने के नियम फिर से चेंज होंगे। डायोड के एनोड टर्मिनल पे पोटेंशियल आया है VIT-5, डायोड के एनोड टर्मिनल पे पोटेंशियल है VIT-5, और कैथोड टर्मिनल पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट ड्यू टू बैटरी। एक बार जब मेरे पास सर्किट में कैपेसिटर चार्ज होगा, सर्किट में कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो फिर मुझे डायोड चलाने के नियम फिर से लिखने पड़ेंगे। तो डायोड चलाने का नियम है कि एनोड माइनस कैथोड पोटेंशियल होना चाहिए ग्रेटर देन 0, लेकिन हमने देखा कि कैपेसिटर 5 वोल्ट से चार्ज है और VIT अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल होगा ड्रॉप, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VIT-5, और कैथोड का पोटेंशियल तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाएंगे तो 5 वोल्ट का बैटरी दिया है। देखें आप जरा कि ये सर्किट है, ये चार्ज हो चुका है 5 वोल्ट से और ये ओपन सर्किट टेस्ट आपने लगाया है। अब आपसे पूछा है कि बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा, तो दिस पोटेंशियल इज VIT-5, तो डायोड के एनोड पे भी पोटेंशियल आया VIT-5, कैथोड पे पोटेंशियल है 5, तो डायोड के ऑन होने की जो नई कंडीशन होगी दैट कंडीशन विल बी VIT-5, एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी VIT का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 10 वोल्ट। VIT मेरे पास ये सिग्नल है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 10 वोल्ट नॉट पॉसिबल, मतलब आने वाली सारी साइकिल्स के लिए जो आपको सर्किट मिलेगा उसमें डायोड रहेगा ओपन। इस सर्किट को मैं फिर से बना देता हूं, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। आने वाली सारी साइकिल्स के लिए डायोड विल बी ओपन, तो सेकेंड साइकिल के लिए क्या होगा, आफ्टर सेकेंड साइकिल सर्किट का बिहेवियर ऐसा होगा कि वी आर हैविंग VIT, देन अ कैपेसिटर जो कि चार्ज है 5 वोल्ट से, देन एक डायोड था वो ओपन हुआ है, देन 100 किलो ओम, और मुझे V आउटपुट मेजर करना है बाय अप्लाइंग, और यहां एक बैटरी भी था लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके पास क्लोज पाथ नहीं है तो उस बैटरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, 5 वोल्ट बैटरी थी। तो हमने क्या देखा कि एक बार कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद अगर मैं फिर से चाहता हूं डायोड को अगर टेस्ट करूं, मैं डायोड को ऑन करने की कंडीशन देखूं तो V इनपुट ग्रेटर देन 10 वोल्ट पे ऑन होगा, लेकिन V इनपुट तो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से ज्यादा तो इनपुट हो नहीं सकता। अगर 10 वोल्ट से ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता तो कैपेसिटर में फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद आने वाली सारी वेवफॉर्म्स के लिए, सारे सिग्नल्स के लिए ये होगा ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट होगा तो मुझसे पूछा है कि V आउटपुट कितना होगा, तो मैं लगा देता हूं यहां एक KVL माइनस VIT इज पोटेंशियल ऑफ दिस सेंसर वोल्टेज सोर्स प्लस 5 वोल्ट, दिस
plus V output equal to 0. This is my KVL in the loop. So I can say V output is equivalent to VIT minus 5 volt. इसका मतलब ये हुआ कि इससे बाद आने वाली सारी साइकल्स के लिए जो आउटपुट होगा वो 5 वोल्ट से नीचे हो जाएगा. तो जब हम जरा देखते हैं कि 5 वोल्ट से कैसे नीचे करता है. तो ये मेरे पास सर्किट का बिहेवियर हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद. और फर्स्ट साइकिल में सर्किट का बिहेवियर क्या था? फर्स्ट साइकिल में सर्किट का बिहेवियर ये था कि डायोड हुआ था ऑन, और डायोड ऑन हुआ था तो आउटपुट 5 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा. तो जरा इसका वेवफॉर्म हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वेवफॉर्म कैसा बनेगा. हम वेवफॉर्म बनाते हैं. हमने देखा कि जब फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल आया, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड हुआ ऑन, और डायोड जैसे ही ऑन होगा आउटपुट मिलेगा मुझे 5 वोल्ट. तो आउटपुट मिला मुझे 5 वोल्ट, ये बना दिया मैंने 5 वोल्ट आउटपुट. और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 10 माइनस 5, अगेन 5 वोल्ट. इसके बाद आने वाली सारी साइकल्स के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल चेंज होगा. आई एम मेंटेनिंग इट बाय 5 वोल्ट. एंड अब मुझे जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो VIT माइनस 5 वोल्ट मिलेगा. मतलब आने वाली सारी साइकल्स में मुझे VIT, मतलब ये जो इनपुट है मेरे पास VIT, दिस इनपुट इज VIT इनपुट वोल्टेज, वो 5 वोल्ट से मुझे नीचे करना है इसको. तो कर देते हैं. जो वैल्यू आपको 20 पे मिल रहा था वो मिले वैल्यू मिलेगा माइनस 25. जो वैल्यू मुझे 10 मिल रहा था वो वैल्यू मिलने वाला है मुझे 5 वोल्ट. जो वैल्यू अगेन 20 मिलने वाला था वो मिलेगा माइनस 25. तो इसने क्या किया, ये बायस्ड क्लिपर है. बायस्ड क्लिपर से आप क्लैंपिंग का लेवल चेंज कर सकते हैं. अगर ये 5 वोल्ट बैटरी है तो क्या करेगा, ये 5 वोल्ट से इसको शिफ्ट कर सकता है. अगर ये 5 वोल्ट बैटरी ना होती तो ये पूरा वेवफॉर्म नीचे चले जाता. लेकिन अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर डायोड का डायरेक्शन नीचे है तो पूरा वेवफॉर्म नीचे गया है. फिर 5 वोल्ट की बैटरी लगाइए सपोर्ट में तो 5 वोल्ट वेवफॉर्म को ऊपर ले लें. आप देखें जरा, इस पूरे वेवफॉर्म को नीचे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 0 पे, ये आ जाएगा माइनस 30 पे. 5 वोल्ट से ऊपर शिफ्ट करो तो ये 5 पे आ जाएगा, ये माइनस 25 पे. ये है वेवफॉर्म. तो ये क्लैंपर सर्किट था मेरे पास. इस क्लैंपर सर्किट में मैंने आरसी टाइम कांस्टेंट को अवॉइड किया क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इसकी डिस्चार्जिंग की रेट इस कंपैरिजन में वन सिग्नल टाइम पीरियड के कंपैरिजन में बहुत कम है. और अगर वन सिग्नल टाइम पीरियड के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है तो एक टाइम ड्यूरेशन में, एक साइकिल में इसका डिस्चार्जिंग बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा. इसलिए हमने उस पार्ट को अवॉइड किया है. तो ये मेरे पास एक एग्जांपल था जिसमें मेरे पास क्लैंपर था, बायस्ड क्लैंपर. जरा हम अब एक काम करेंगे कि बैटरी का थोड़ा शेप या डायोड का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं वेवफॉर्म में क्या इफेक्ट आता है. अगला प्रॉब्लम है, मैंने डायोड का डायरेक्शन चेंज कर दिया है और डायोड का डायरेक्शन इस बार पिछले प्रॉब्लम की कंपैरिजन रिस्पेक्ट में चेंज है. डायोड का डायरेक्शन चेंज करने से हम देखते हैं कि क्लैंपर सर्किट के आउटपुट में क्या इफेक्ट आता है. अगेन अगर मुझे इस सर्किट को टेस्ट करना है तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाना पड़ेगा. डायोड के कंडक्शन और नॉन कंडक्शन स्टेट को पता करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट लगाएंगे. तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लगाते हैं और देखते हैं कि डायोड कब कंडक्ट करेगा. ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं. इनपुट है मेरे पास VIT, सो दिस इज VIT, देन अ कैपेसिटर, देन ओपन सर्किट, a battery of 5 volt और एक डायोड है मेरे पास. उस डायोड को मैं बना देता हूं. डायोड कुछ इस डायरेक्शन में लगा है. तो प्राइमरी एनालिसिस से यह पता चलता है कि अगर हमने रेफरेंस को लिया है 0 वोल्ट तो बैटरी के एनोड पर पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट. और इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो VIT लगाया था और 0 वोल्टेज ड्रॉप, तो यहां भी मिलेगा मुझे VIT. तो डायोड के ऑन होने की कंडीशन आई
कि वेन एवर 5 मीन्स द पोटेंशियल एट एनोड माइनस वी आई टी शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर मैं चाहता हूं कि डायोड ऑन हो जाए, या मैं ऐसा बोलूं वी आई टी माइनस 5 शुड बी लेस देन 0, या वी आई टी का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 5 वोल्ट. तो वी आई टी का वैल्यू अगर लेस देन 5 वोल्ट हुआ तो ही डायोड ऑन होगा, अदरवाइज डायोड ऑन नहीं होगा. तो इससे पहले वाली साइकिल्स में आउटपुट क्या मिलेंगे जरा देखते हैं, क्योंकि जैसे हम वी आई टी को देखते हैं तो वी आई टी लेस देन 5 नहीं है, वी आई टी तो ग्रेटर देन 5 है, 10 वोल्ट है. इस केस में क्या होगा जरा हम देखते हैं कि अगर वी आई टी का वैल्यू 10 वोल्ट हुआ तो ये डायोड करेगा एज बिहेव एज ए ओपन सर्किट, और अगर डायोड ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा मुझे. जरा इसका वेवफॉर्म बनाता हूं मैं, कि अगर मेरे पास वी आई टी का वैल्यू हुआ, इफ वी आई टी इज इक्वलेंट टू ग्रेटर देन 5 वोल्ट, ग्रेटर देन 5 वोल्ट अगर वी आई टी का वैल्यू हुआ तो डायोड होगा ओपन, और डायोड होगा ओपन तो मेरे पास सर्किट बनेगा कुछ ऐसा. दिस इज वी आई टी, 1 कैपेसिटर, देन डायोड इज ओपन सर्किट एंड 1 बैटरी, बैटरी ऑफ 5 वोल्ट. दिस इज माय आउटपुट. अब ओपन लूप में कोई करंट तो फ्लो होता नहीं है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 0, तो वी आउटपुट का वैल्यू मिलेगा मुझे कितना, इक्वलेंट टू वी इनपुट. तो बड़ा ही सिंपल रिलेशनशिप है. अगर मैं फर्स्ट वेन एवर वी आई टी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो डायोड रहेगा ऑफ, और वी आई टी का वैल्यू अगर 5 वोल्ट से नीचे गया तो डायोड होगा ऑफ. मैं बनाता हूं इसका आउटपुट. तो मैंने दो आउटपुट बनाए हैं, फर्स्ट आउटपुट इज आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर एंड सेकेंड इज आउटपुट अक्रॉस डायोड एंड ए बैटरी कॉम्बिनेशन. फॉर फर्स्ट क्वार्टर साइकिल द इनपुट इज पॉजिटिव इन 10 वोल्ट, द इनपुट इज पॉजिटिव इन 10 वोल्ट मीन्स दिस सर्किट इज वैलिड, द सर्किट इज ओपन एंड करंट इज 0, सो वी आउटपुट विल फॉलो द वी इनपुट. तो वी आउटपुट अगर वी इनपुट को फॉलो करेगा तो आउटपुट गया है आपका 10 वोल्ट पे, तो इनपुट भी मिलेगा आपको 10 वोल्ट पे. एंड इसी ड्यूरेशन में द करंट इन द सर्किट इज 0, और करंट इन द सर्किट अगर 0 हुआ तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होगा 0, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 0. फॉर सेकेंड साइकिल वी इनपुट इज लेस देन 5 वोल्ट, मतलब मेरे पास इनपुट है माइनस 10 वोल्ट. इस साइकिल का इनपुट है मेरे पास माइनस 10 वोल्ट. अगर माइनस 10 वोल्ट इनपुट है तो ये डायोड इज कंडक्टिंग, और अगर डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो डायोड कैपेसिटर के एक टर्मिनल का पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट और दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल है माइनस 10 वोल्ट. तो कैपेसिटर चार्ज होगा प्लस माइनस 15 वोल्ट से, इस पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज होगा. तो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन 5 वोल्ट टू माइनस 10 वोल्ट, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा 5 माइनस माइनस 10, 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से. अगर 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस बार कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल मिलेगा दैट पोटेंशियल इज माइनस 15 वोल्ट. जिस पोलरिटी के लिए हमने लिखा है वो माइनस 15 वोल्ट. एंड द पोटेंशियल अक्रॉस आउटपुट, द पोटेंशियल एट आउटपुट इज 5 वोल्ट. So I can say this potential is 5 volt. For next cycle, now capacitor is charged by 15 volt. और 15 volt से charge हुआ है तो अब diode को on off करने के condition फिर से rule change होंगे, और जो diode था इस बार on होने के लिए उसका rule होगा अप्लाइड पोटेंशियल इज वी आई टी, और माइ नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर ये ट्रांजिशन है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैथोड टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वी आई टी प्लस 15 वोल्ट. अब मैं डायोड को ऑन करने का कंडीशन लगा देता हूं, वी आई टी प्लस 15 शुड बी ग्रेटर देन 5 माइनस वी आई टी प्लस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0, एनोड माइनस कैथोड पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन 0, और 5 माइनस वी आई टी माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0, और माइनस 10 माइनस वी आई टी शुड बी ग्रेटर देन 0,
और VIT should be greater than minus of 10 volt. अब VIT का value greater less than minus 10 volt होगा तब diode on होगा और VIT का value minus 10 volt से नीचे possible नहीं है, मतलब आने वाली सारी cycles के लिए जो डायोड होगा वो ऑफ स्टेट में होगा. और अगर डायोड ऑफ स्टेट में होगा तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा ये कि लगाया था आपने कितना वोल्ट, लगाया था आपने VIT और माइनस टू प्लस कैपेसिटर चार्ज है 15 वोल्ट से, तो आउटपुट मिलेगा मुझे VIT प्लस 15 वोल्ट. तो आने वाली सारी साइकिल्स में मैं 15 ऐड कर दूंगा, तो अगर 15 ऐड करेंगे हम सारी साइकिल्स में तो आउटपुट कितना मिलेगा. नाउ दिस कैपेसिटर इज कॉन्स्टेंट एट 15 वोल्ट क्योंकि डिस्चार्जिंग के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं. आगे आने वाली सारी साइकिल्स के लिए कैपेसिटर होगा ओपन, डायोड होगा ओपन, और डायोड अगर ओपन होगा तो कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग के लिए कोई पाथ ना मिलेगा, और कोई पाथ अगर नहीं मिला तो ये कैपेसिटर माइनस 15 वोल्ट पे रहेगा फिक्स. कैपेसिटर अगर माइनस 15 वोल्ट पे फिक्स है, कैपेसिटर अगर माइनस 15 वोल्ट पे फिक्स है तो वी आउटपुट का वैल्यू मिलेगा मुझे, लगाया था आपने कितना VIT और माइनस टू प्लस ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है, तो वी आउटपुट का वैल्यू होगा VIT प्लस 15 वोल्ट. मतलब इससे आगे आने वाली सारी साइकिल्स में फिर 15 वोल्ट ऐड कर दूंगा. अगर 15 वोल्ट ऐड कर दिया तो ये सर्किट कहां पहुंच जाएगा जरा देखते हैं कि यहां अगर 15 वोल्ट ऐड किया तो ये सर्किट जो इनपुट वेवफॉर्म है वो जाएगा 25 वोल्ट पे. यहां पोटेंशियल है 10, 10 में 15 ऐड किया तो 25. देन पूरी हाफ साइकिल के लिए रहेगा 25. देन माइनस 10 में अगर 15 वोल्ट ऐड किया तो मुझे मिलेगा आउटपुट 5 वोल्ट पे फॉर दिस ड्यूरेशन. देन फिर 10 में अगर आपने 15 ऐड किया तो मिलेगा मुझे 25 पे. तो जरा आप देखें कि इस पॉइंट के बाद जो मुझे सिग्नल मिला है दैट सिग्नल इज क्लैम्प्ड सिग्नल. वी आउटपुट इज इक्वलेंट टू वी इनपुट प्लस 25. V input plus not 25, 15 volt. जरा फिर से देखें हमने क्या किया है कि इस बार हमने जब सर्किट को देखा तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए सर्किट में डायोड ऑन नहीं था, और अगर सर्किट में डायोड ऑन नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता. अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता तो मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा, तो आउटपुट वैसे ही मिलेगा, डायोड ऑफ था तो इनपुट आउटपुट के इक्वल होगा. तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें इनपुट आउटपुट के इक्वल है, इनपुट है आपके पास 10 वोल्ट, आउटपुट भी है आपके पास 10 वोल्ट. फिर देखें अगली साइकिल में क्या हुआ, अगली साइकिल में डायोड हुआ ऑन, और डायोड ऑन हुआ तो आउटपुट आपको 5 वोल्ट मिला. तो इस ड्यूरेशन में आउटपुट आपको 5 वोल्ट मिला है और कैपेसिटर चार्ज हो गया. अब कैपेसिटर कितने वोल्ट से चार्ज होगा देखें जरा. कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट जो कि हमने दिया है, और दूसरे पे पोटेंशियल डायोड ऑन होने की वजह से हुआ है 5 वोल्ट. तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है कितना, 15 वोल्ट. और देखें जरा दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज 15 वोल्ट, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव ये रहेगा नेगेटिव. इसके बाद क्या किया हमने कि एक बार कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया तो इस डायोड को चलाने के नियम भी चेंज होंगे, और डायोड को चलाने के नियम चेंज होंगे वो नियम लिख लेते हैं कि VIT यहां का पोटेंशियल है और VIT में से अगर 15 जोड़ दिया जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, इस पॉइंट का डायोड के कैथोड का पोटेंशियल आ जाएगा, और एनोड का पोटेंशियल तो आपको दिया हुआ है, वही टेस्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट. तो हमने देखा कि VIT अगर लेस देन माइनस 10 वोल्ट हुआ तभी ये डायोड कंडक्ट करेगा. लेकिन हम क्या देखते हैं कि मेरे पास VIT माइनस 10 वोल्ट से नीचे पॉसिबल नहीं है क्योंकि VIT का मिनिमम वैल्यू ही माइनस 10 वोल्ट है. मतलब आने वाली सारी साइकिल्स के लिए जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो फिक्स है माइनस 15 वोल्ट पे. लेकिन आउटपुट कितना मिलेगा मुझे कि जो भी मेरे पास इनपुट आएगा उसमें मैं 15 ऐड कर दूंगा उतना आउटपुट मिलेगा. तो इस साइकिल के बाद आने वाले सारे सिग्नल पॉइंट्स में 15 ऐड कर दिया जाए तो देखें जरा ये पॉइंट मिल रहा था आपको 10 पे तो मिलेगा 15, 10 प्लस 15 25. ये पॉइंट कितने पे मिल रहा था आपको, मैं लिख सकता हूं इस पॉइंट को, ये पॉइंट पहले मिल रहा था माइनस 10 पे, तो माइनस 10 प्लस 15 ये मिला 5 पे, और ये मिला 10 प्लस 15 ये मिला 25 पे. तो इस सिग्नल ने क्या किया, इस सर्किट ने क्या किया, सिग्नल को क्लैंप कर दिया. और देखें आप उसी डायरेक्शन में डायोड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो पूरा सिग्नल ऊपर ले लें 5 वोल्ट से और ऊपर शिफ्ट कर दें. तो देखें जरा इस सिग्नल को ऊपर लिया आपने तो ये आ जाएगा माइनस 10 जीरो पे, 10 आ जाएगा 20 पे, और 5 और ऊपर शिफ्ट कर दो तो मैक्सिमम मिलेगा आपको 25 पे और मिनिमम मिलेगा आपको 5 पे. तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल है मेरे पास एक बायस्ड क्लैंपर का एग्जाम्पल है.
एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल साइकिल्स जो है ट्रांजिशन फेज में क्लैंपिंग नहीं हुई है, क्लैंपिंग के लिए जो साइकिल स्टार्ट हुई है वो बाद में हुई है। इसका मतलब ये है कि क्लैंपिंग कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए, ये कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ही क्लैंपिंग एक्शन परफॉर्म करेगा।